हेलो इधर एमएलए साहब इधर क्या कर डीसी साहब नीमा करेंगे आज मैं कॉल बैक कर लेता हूं क्लीनिक दे विच किस तरह दी फैसिलिटीज होंगी आम आदमी क्लीनिक पहला 15 अगस्त नु 100 अपने खुले सी बठिंडे च 8 सीगे 6 अर्बन सीगे ते 2 रूरल सी हुन उसे ही तर्ज ते पीएससी नु स्ट्रेंथन कीता गया उच आपां जिहड़ी फैसिलिटी है अपनी रोगी जिहड़ी पुरानी फैसिलिटीयां ओ भी आपां नु मैया रहणी है प्लस ए च एक्स्ट्रा जिवें स्ट्रेंथनिंग आपां डॉक्टर रूम इन्वेस्टिगेशनस प्लस अपनी इम्यूनाइजेशन जच्चा बच्चा दी सेवा ये सारिया सेवा अपने हाजिर रहनगिया प्लस अपने इस वे जिले च 5-6 अर्बन ने ते 11 रूरल इस वे हो रही ने तो 16 इस वे इस तरीक ने अज की तरीक च हो रही ने एक साड़ी फरवरी च हो गई किन्ने डॉक्टर सारे च सफिशेंट डॉक्टर है सारे च साडे कोले डॉक्टर है जो इत्थे साडे कोल पूरा सी कुछ स्टाफ असी रूरल चो लेता है रूरल वाले डॉक्टर साढ़े को ज्वाइन करके एक दो थान से दो तीन डॉक्टर रूरल नहीं है सो एक बार साढ़े को सफिशेंट है जो चोणों के दरम्यान फील्ड के आई सी उन्होंने सब तो वध पंजाब के लोगों जिस गल पर फोकस करना सी वो वायदा किया एजुकेशन एंड हैल्थ उस देखते हुए एक साल तो घट समा होया सरकार बनी पहले साल 15 अगस्त के उत्ते हैल्थ के खास तौर के उत्ते ध्यान देंदे हुए जेडे पहला 100 महला क्लीनिक शुरू किए गए जेडे बाखूबी चल रहे हैं और उस तो लखां लोग फायदा ले रहे हैं 26 जनवरी जेडे 400 महला क्लीनिक होर जेडे लोगों समर्पित करने हैं जिदे नाल लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा और बठिंडे दे विच 2 महला क्लीनिक एक ऊधम सिंह नगर और एक खेता बस्ती पहला चल रहा है और 5 महला क्लीनिक जिदे विच जिथे असीं अज खड़े हैं लाल सिंह बस्ती उस तो बाद बेअंत नगर जनता नगर गणेश शाह वासी ते परसाम नगर जिन्हों का उद्घाटन अज किया जाना है और अज के दिन अमृतसर साडे मानयोग सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के प्रधान और पंजाब के मुख्यमंत्री सत्कारयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान और उन्हां दी टीम ने अमृतसर तो इस दी शुरुआत की है और उस कड़ी के तहत अज असी सारे मेरे नाल जिहड़े पंजाब के चेयरमैन ने वो खड़े ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा CMO साहब बठिंडा और सारी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम खड़ी है अज असी बठिंडे के लोगों को 5 महला क्लीनिक होर देन जा रहे हैं जिदे नाल बहुत बड़ा फायदा होगा एजुकेशन दे विच भी
कल 26 जनवरी 117 स्कूल ऑफ एमीनेंस हर हल्के स्कूल जिदे नाल जिहड़ा कंपीटीशन दे जिहड़े बच्चे जाणगे उन्हां नूं विद्या दा जिहड़ा म्यार है और उत्थे जिहड़े टीचर होणगे उन्हां नूं बाहर ट्रेनिंग देण वास्ते ता कि अच्छा तरीका एजुकेशन दा इत्थे वधे उस दे लई भी भगवंत सिंह मान जी सरकार ने बहुत बड़ा उपराला किया और उन्हां दा फोकस है कि पंजाब दा जिहड़ा आम आदमी है वो ये महसूस करे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम बंदियां वास्ते कम कर रही है। इस तरह के महला क्लीनिकां नाल दो फायदे होंगे, एक तो इत्थे टेस्ट दवाइयां और डॉक्टर जिहड़ियां छोटियां बीमारियां ने महल्ले दे विच लोकां नूं नेड़े दी सहूलत होएगी, जिथे जिहड़े एक्सपर्ट डॉक्टर होर बीमारियां दे ओ अपना वक्रे तौर दे उत्ते उन्हां नूं वधिया समां मिलेगा। लोगों जिहड़ियां ओ बीमारियां ने जिथे जिथे महला क्लीनिक इलाज नहीं हो सकता उन्होंने सेवावान उत्तर देने जीडिया वो भी बहुत वाइया सेवावान हस्पता। अच्छा एम एल ए साहब ने पास्ट एक्सपीरियंस देखिए पिछलिया सरकार का बिल्डिंग्स बन गई जिमें कुदा मै अपने सिविल हॉस्पिटल बनया आई टी आई बनया महराज के बिल्डिंगा बन गई स्टाफ का कैडर नहीं वधाया गया डेडीकेटड पोस्टा नहीं क्रिएट हुई जे तुम एमीनेंट स्कूल्स की गल करते हो पंजाब के कोल पहले ही बड़े मैरीटोरियस स्कूल है आदर स्कूल है होर है जेकर हजे तक रिक्रूटमेंट्स नहीं की बिल्डिंग्स कि देर जंगेवें इंपलाइज के सहारे चलन नहीं मंगवें इंपलाइज के सहारे नहीं चलनगिया उन्होंने एम स्कूल ऑफ एमीनेंस एक गल की गरंटी है कि उत्थे कोई पोस्ट खाली नहीं रहेगी उत्थे टीचरां नूं स्कूल की सामभ संभाल का एडमिनिस्ट्रेशन का कम नहीं करना पेगा उत्थे मैनेजर होएगा बाकी स्टाफ जिन्हें साफ सफाई करनी है या चौकीदार वगैरह वो एक पूरी तरह नाल उस स्कूल नूं दित्ते जाणगे। सर मैं रिक्रूटमेंट की गल कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं वही गल कर रहा कि उत्थे एक भी जिहड़ा पोस्ट है खाली नहीं रहेगी जिहड़े स्कूल ऑफ एमीनेंस। किन्ना टाइम लगेगा स्कूल ऑफ एमीनेंस दे विच? नहीं उन्हां दी रिक्रूटमेंट ते किन्ना टाइम लगेगा, उन्हां दा काडर क्रिएट करन ते किन्ना टाइम लगेगा? नहीं काडर कोई स्पेशल नहीं होना, इन्हां टीचरां दे विचों ही टीचर उत्थे जाणे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਛੱਡ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਛੱਡਣਗੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ ਕੁਛ ਚਿਫਟ ਕੀਤੇ। अपने ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਵਾਰਟ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਹੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਆਉਣੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 100-200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਨਨੈਸਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ 2 ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 3 ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।